अभी तक लगभग 5 लोकसभा का सभी नेताओं से चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा सेट नहीं, वो सिर्फ देश की जनता के भावनाओं से खेल रही है। अगर हमसे कोई बेहतर प्रत्याशी होगा निश्चित रूप से उनको भी मौका मिलेगा। तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रत्येक लोकसभा वाइस चर्चा चल रही है ताकि लोकसभा चुनाव के आगामी सुझाव और प्रत्याशी कौन हो सकता है, कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं चल रही है। और अभी तक लगभग 5 लोकसभा का सभी नेताओं से चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा सेट नहीं है, वो सिर्फ देश की जनता के भावनाओं से खेल रही है। उनके पास महंगाई जैसे बड़े मुद्दा, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दा, देश की अर्थव्यवस्था की बात करें चौपट हो गई है, ठीक है, इस तरह की जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जो 2013-14 में उन मुद्दों को लेकर आई कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, इन मुद्दों को लेकर लड़ी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सब मुद्दा चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, काला धन वापस आया नहीं, तो उनके पास आज जनता के बीच में जाने के लिए कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। सिर्फ भावनात्मक मुद्दा को छोड़ के वो सिर्फ इन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने भावनात्मक मुद्दा खेलने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस समय जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और निश्चित रूप से इससे कांग्रेस पार्टी का फायदा होगा। तो हम लोगों ने कोई ऐसा फैसला लिया नहीं, इच्छा तो पहले थी, जो समय है उसके लिए पार्टी तय करेगी। अगर हमसे कोई बेहतर प्रत्याशी होगा निश्चित रूप से उनको भी मौका मिलेगा। देखिए, विधानसभा में बहुत सारे दावेदार होते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी रहते हैं, बहुत सारे मांगे जाते हैं, लेकिन लोकसभा में ऐसा सीन नहीं रहता है, चिन्हांकित है। फिर भी अगर कोई खुल के बात रखना चाहे, आवेदन देना चाहे, अब मौखिक रूप से बोलना चाहिए, उनके लिए तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। उसके लिए इसीलिए कमेटी के अध्यक्ष सब लोग सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ और बाकी लोग भी, हमारे तमाम नेता, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ दावेदारी कम रहते और चिन्हांकित है, यहाँ प्रत्याशी चयन में हम लोग को ज़्यादा नहीं।